Hello friends, welcome back to my class standard senior के लिए subject English. English में revision assignment है ना बेटा? तो आपको ABCD आती है क्या? भूल गए सब? आती है? Okay. तो मैं बोलूँ, आप सुनो. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. है ना बेटा? हाँ. तो A to Z के सबसे पहले कितने लेटर्स आपने काउंट किए? मैंने आगे भी आपको सिखाया है. 26 लेटर. कितने हुए बेटा? 26. 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स है. 5 वॉवेल्स है. तो कौन सा वॉवेल्स है मैं बताऊँ आपको. ए, यहाँ लिखे ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 वॉवेल्स है. और 21 कॉन्सोनेंट्स है. ये 5 वॉवेल्स आप याद रखोगे तो 26 में से 5 निकल जाते हैं वॉवेल्स. तो 21 कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन. और ये वॉवेल्स मतलब स्वर. ओके. तो आपको यहाँ क्या करना है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स वी ए और एन. जो वॉवेल्स से लेटर स्टार्ट होता है, वर्ड स्टार्ट होता है, उसके आगे आपको क्या करना है? आर्टिकल्स ए एन लिखना है. क्या लिखना है? ए एन एन. बराबर. आप सबको मैं एन बोलूं तो आप क्या लिखते हो पता है? ये एन लिखते हो. ये एन सही है लेकिन आप आर्टिकल्स ऊपर जिन्हें गुजराती में कहिए छे तो आर्टिकल्स लगाओ माटे ए एन अथवा वॉवेल्स माटे छे અને એ કોન્સોનન્ટ્સ માટે છે. બરાબર. તો જો વોવેલ્સ સે લેટ વર્ડ સ્ટાર્ટ હોતા હે ઉસકે આગે આપકો એન લિખના હે ઓર જો કોન્સોનન્ટ્સ સે સ્ટાર્ટ વર્ડ્સ હોતા હે ઉસકે આગે આપકો એ લિખના હે. તો યહાં દેખો સી એ ટી કેટ એ ડબલ પી એલ ઈ એપલ બી એ જી બેગ ઈ ડબલ જી એગ એન ઈ ટી નેટ E L E P H A N T elephant B U S bus P E N pen H E N hen U M B R E double L A umbrella B A double L ball O W L owl C A double R O T carrot E N G I N E engine C O W cow I C E C R E A M ice cream B E D bed A X E X M U G mug B U N bun जे यू जी जब. ये वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं और उसका जो लेटर है ना वॉवेल से स्टार्ट होता है तो आपके उसको आगे एन आर्टिकल लिखना है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे ए लिखना है. तो यहाँ सी ए टी कैट. तो कैट में सी ये वॉवेल से कि कॉन्सोनेंट से? कॉन्सोनेंट से. आपको यही 5 लेटर्स याद रखने हैं. ओके. तो सी ए टी कैट माने बिलाड़ी. तो कैट में सी कॉन्सोनेंट से तो आपको यहाँ के क्या लिखना है बेटा? ए कैट. ए लिखना है मतलब ए कैट. फिर दूसरा वर्ड देखो ए डबल पी एल ई एप्पल. ए डबल पी एल ई एप्पल. तो एप्पल में ए वॉवेल्स है ना. तो वॉवेल्स में आपको वर्ड्स के आगे क्या लिखना मैंने बताया आपको ए एन एन. ए एन एन. तो यहाँ आपको ए एन लिखना है मतलब आपको क्या पढ़ना है? एन
kg bag. Bag big consonants. तो bag before क्या लिखोगे? A. A bag. E double G egg. Egg में E. E क्या है बेटा? यहाँ देखो. Vowels है ना? तो यहाँ क्या लिखना है? Fill in the blanks में आपको N. N egg. N egg. N E T net. N E T net. Net में N consonants है. तो आपको A लिखना है. A net. Okay बेटा? यहाँ देखो. E, L, E, P, H, A, N, T, elephant. तो elephant में E vowels है ना? क्या है बेटा? Vowels. तो जब vowels बोलो तो आपको mind में आ जाना चाहिए यहाँ N लिखना है. A, N, N. N elephant. क्या लिखोगे? N elephant. B, U, S, bus. तो B consonant से. तो यहाँ क्या लिखना है? ओके बेटा. तो ये हुआ अपना, ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई. अभी लाइन नंबर टू. पी ई एन पेन. क्या लिखा है बेटा? पी ई एन पेन. तो पेन में पी फर्स्ट वर्ड में लेटर कौन सा है बेटा? पी. तो पी कॉन्सोनेंट्स है. ओके तो यहाँ क्या लिखना है? ए. ए पेन. ओके. एच ई एन हैन. तो हैन में एच कॉन्सोनेंट्स. ओके तो यहाँ क्या लिखो गया? ए. यू एम बी आर टी डबल एल ए. अम्ब्रेला में यू. यू क्या है बेटा? वोवेल्स है. ओके तो वोवेल्स के आगे एन, मतलब ए एन एन. यहाँ आपको एन बोला जाता है. प्रोनाउंसिएशन एन. एन अम्ब्रेला. ओके बेटा. बी ए डबल एल बॉल. बॉल में बी कॉन्सोनेंट से बेटा. तो यहाँ ए. ए बॉल. ओके. ओ डब्ल्यू एल आउट. ओ डब्ल्यू एल आउट. आउट में वो क्या है? वो वैसा ना बेटा? यस. तो यहाँ क्या लिखोगे? ए एन एन. सी ए डबल आर ओ टी कैरट. कैरट में यहाँ सी. सी कौन सा है बेटा? कॉन्सोनेंट्स. वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स है ना. ओके तो यहाँ क्या लिखना है? ए कैरट. ई एन जी आई एन ई. एंजिन. गाड़ी में जाते हो ना? हाँ. तो गाड़ी पीसता है उसको क्या बोलते हो? सबसे पहले क्या होता है? एंजिन होता है. हाँ तो एंजिन. तो एंजिन में ई वोवेल्स है. तो यहाँ आपको एन एंजिन लिखना है. एन. अभी थर्ड नंबर लाइन. सी ओ डब्ल्यू काउ. काउ में सी कॉन्सोनेंट्स. तो यहाँ आपको ये लिखना है. ए काउ. आई सी ई सी आर ई ए एम. आइसक्रीम. आइसक्रीम में आई वो वैसे ना बेटा? तो एन आइसक्रीम. क्या लिखोगे? एन आइसक्रीम. बी ई डी बैड. बैड में बी कॉन्सोनेंट्स. तो यहाँ क्या लिखोगे? ए. ए बैड. X A X E X. X में A वोवेल से है ना? हाँ. तो यहाँ N X. क्या लिखोगे बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर N X. M U G mug. M U G mug. तो M कॉन्सोनेंट से. तो आपको यहाँ A लिखना है. B U N bun. B भी कॉन्सोनेंट से. तो आपको यहाँ A bun. J U G जब. J भी कॉन्सोनेंट से. तो आपको यहाँ ई लिखना है. अभी आपको कैसे पढ़ना है देखो. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ए कैट. एन एप्पल. ए बैग. एन एग. ए नेट. एन एलिफेंट. ए बस. ए पेन. ए हैन. एन अम्ब्रेला. ए बॉल. एंड आउट. ए कैरेट. एंड एंजिन. ए काउ. एंड आइसक्रीम. ए बेड. एंड एक्स. ए मग. ए बम. ए झड़.
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में ए और एम ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। नोटबुक में आपको ये सब रीड एंड राइट ओके बेटा बोलना है और लिखना है। बाय।